तो भाइयों जो दिलीप मंडल है, मैं इसकी सपोर्ट नहीं करता था, बल्कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी बहुत पहले कि ये क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन अभी ये ट्वीट कर रहा है और बहुत इसने पोस्टें भी डाली हैं कि आप खुद पढ़ सकते हो कि 48 लोगों को अब तक भारत रत्न मिला है, पर आज तक किसी ठाकुर यानी क्षत्रिय यानी राजपूत को नहीं मिला। पता नहीं क्यों उन बेचारों में कौन सी कमी है, राष्ट्र निर्माण में उनका भी तो योगदान है। उनका योगदान क्या, पूरा का पूरा योगदान ही उनका है। अगर क्षत्रिय अपनी रियासतें नहीं दान करते तो ये भारत बन पाता क्या? मुझे बताओ ये भारत बन पाता क्या? आप देखिए ये लिस्ट है सभी 48 जो आज तक भारत रत्न दिए गए हैं, उसमें एक भी क्षत्रिय का ना होना। अगर उनको मिल सकता है, चलो आप दो उनको दे दिया, आपने सब तीनों को दिया, लेकिन क्या कोई भी क्षत्रिय जिसने इतनी रियासतें कुर्बानियाँ दी उनका नहीं बनता था? ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जिनकी वजह से कश्मीर बचा रहा, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा आप सबको दे सकते हो, लेकिन अगर पिछड़ा आयोग की बात करें तो ऐसे इन्होंने भी बोला है पोस्ट में, देख सकते हो कि क्षत्रियों ने कितनी कुर्बानी दी, जो 27% जो मिलता है OBC में, बहुत सारी जातियाँ आती हैं, तो उनको दिलवाने वाले BP सिंह उनको क्यों नहीं मिला? तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा क्षत्रियों के साथ धांधला किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। ये इस भारत देश के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है उनका नाम ही आना चाहिए, लेकिन पहले क्षत्रिय समाज इस बारे में सोचता नहीं था। नया नया आज़ाद हुआ था तो अपने खाने पीने मौज मस्ती रजवाड़ों में व्यस्त रहता था, उसको पता नहीं चला। धीरे धीरे ज़मीनें घटती गई और अब देखिए कि सामने क्या आ रहा है, आप देख सकते हो। इसने ये भी बोला है आज़ादी के बाद उत्तर भारत में जब रजवाड़ों का एकीकरण हुआ तो ज़्यादा राजपूत राजाओं ने ही अपनी ज़मीनें दी, सिर्फ उत्तर प्रदेश का बताया। इसी तरह भारत बना लेकिन उन्हें खलनायक बनाया गया, उन्हें पेंशन देने का भारतीय राष्ट्र का वादा था जो बाद में बंद कर दिया गया। यही इंदिरा गांधी है जिसको भारत रत्न मिला है, इन्होंने बंद करवाया था जो हमें पैसे मिलते थे रजवाड़ों को, उन्हें बिलियन दिखाया गया। न्याय देखो मीडिया में, न्यायपालिका में कोई भी जगह नहीं है, मतलब कि 0.% जगह है। आप खुद तो सोचो हाई कोर्ट में कितने बंदे हैं हमारे, उन्हें सिर्फ अतीत का गौरव और राणा प्रताप का काल्पनिक 80 किलो का बाला पकड़ा दिया गया। बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने, उन्हें सिर्फ एक राणा प्रताप बता दिया गया है जो सिर्फ मेवाड़ में लड़ता था, और उसको देखकर पूरे देश के क्षत्रिय उसको ही अपना मानते हैं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षत्रिय राजा हुए हैं, जनरल जोरावर सिंह महाराज, हिमाचल में महान योद्धा हुए हैं, राजा पोरस हुए हैं, राजा पृथ्वीचंद कटोच हुए हैं, और बहुत सारे योद्धा हुए हैं, उनको मानो तुम। यही कारण है कि हमारी कोई पूछताछ नहीं होती। उत्तर प्रदेश में राजा सुहेल देव बैंस हुए हैं, राजा 70 साल, और भी पूरे देश में बहुत सारे क्षत्रिय योद्धा हुए हैं। आप देखिए कि RSS की यही चाल है कि क्षत्रियों को सिर्फ महाराणा प्रताप सौंप दो, बाकी का तो ये जिक्र ही नहीं करेंगे, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात में चले जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कहीं भी चले जाएं, इनको महाराणा प्रताप पकड़ा दो और बाकी जो उनके योद्धा हुए हैं दूसरी दूसरी जातियों में बांटते जाओ, इसको सिर्फ एक तक ही सीमित रखो। बल्कि क्षत्रियों का राज तो राजस्थान तो आखिरी पन्ना है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह क्षत्रियों ने राज किया है। सबसे ज़्यादा रियासतें गुजरात की थी अगर मिलानी हो तो, उसके अलावा जम्मू कश्मीर की रियासत हो, हिमाचल में काफ़ी रियासतें थी, उत्तराखंड, पूरे देश पर रूल किया है। RSS की चाल को क्षत्रिय समाज आज भी नहीं समझेगा तो फिर ये बहुत ही पछताएगा, क्योंकि इतिहास के साथ ऐसे ही वो किया जा रहा है कि इनको सिर्फ एक जाति, एक जो महाराणा प्रताप है उन तक सीमित कर दो, बाकियों का इतिहास दूसरी जातियों में बाँट दो। लेकिन खैर जो भी है, आज तक किसी क्षत्रिय को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, ये सवाल आप सभी भी ज़रूर पूछें जिन्होंने सबसे ज़्यादा रियासतें दान की। ये देख लो 526 रियासतें क्षत्रियों की, बाकी वालों की 50 भी नहीं, देख लो कि कितनी होगी। 90-95% क्षत्रियों की रियासतें हैं, उसके बदले इस भारत रत्न का एक भी वार्ड क्यों नहीं मिला? क्या क्षत्रियों में काबिलियत नहीं थी? सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाले, सबसे ज़्यादा रेजिमेंटों में शहीद होने वाला।